नमस्कार, रागगिरी के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। इस चैनल के जरिए हम आपकी मुलाकात कराते हैं ऐसे कलाकारों से जिन्हें सुनना एक सुखद अनुभव की तरह है। इसके अलावा हम आपको बताते हैं उन कलाकारों के जीवन के बारे में जो कलाकार भारतीय शास्त्रीय संगीत के भारतीय संस्कृति की पहचान बनकर रहे। हम बात करते हैं रागों की, तो इसलिए सबसे पहले तो निवेदन यही करूंगा कि रागगिरी के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। और अब आऊंगा अपने आज के मेहमान पर, और हमारी आज की मेहमान है अर्पिता मुखर्जी, जो रियलिटी शोज की जानी मानी गायिका हैं, फिल्मों में गा चुकी हैं, तमाम सीरियल्स के जिंगल्स गाए हैं, और बेहद सुरीली बेहद सुमधुर अर्पिता मुखर्जी का सबसे पहले मैं स्वागत करता हूँ। स्वागत है अर्पिता। आपको और आपके दर्शकों और श्रोताओं को मेरा नमस्कार शिवेंद्र जी, एंड थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी टू रागगिरीज चैनल टुडे। एक और छोटी सी बात है जो मैं आपके बारे में कहना चाहूँगी। आपका जो ये एक प्रयास है हमारी युवा पीढ़ी को खास करके शास्त्रीय संगीत से जुड़ने का, अपनी संस्कृति से जुड़ने का, ये बहुत ही सराहनीय है। और आपने इस दिशा में सोचा, ये एक बहुत बड़ी बात है। तो मैं दिल से प्रशंसा करना चाह रही थी आपकी, और आप इसी प्रकार इस कार्य को आगे बढ़ाते रहें, यही मेरी ईश्वर से प्रार्थना है। तो अर्पिता, पहला सवाल तो यही कि ये जो अभी भी मुश्किल वक्त ही है, एक तरीके से लॉकडाउन खत्म हो चुका है लेकिन बहुत सारी लिमिटेशंस हैं, बहुत सारे डूज एंड डोंट्स हैं, और आप लोग परफॉर्मिंग आर्ट्स से जुड़े हुए हैं जिसमें आप कलाकारों को सबसे प्यारी कोई चीज है तो उनके दर्शक होते हैं, उनसे एक बहुत बड़ी दूरी कायम हुई है इस दौरान। कैसे कोऑप किया आपने, और इन दिनों आपका शेड्यूल क्या है, क्या कुछ कर रही हैं, संगीत ने किस तरह से आपको पॉजिटिव बनाए रखा है? जी शिवेंद्र जी, मैं जनरली ही पॉजिटिव और खुश रहने वाली लड़की हूँ, और मुझे लगता है संगीत का इसमें बहुत बड़ा शायद एक रोल है, क्योंकि कहते हैं ना कि जिसके जीवन में संगीत है उसे फिर कोई चीज़ परेशान नहीं कर सकती। सो म्यूज़िक इन माई लाइफ इज़ ऑल्सो दिस कॉन्स्टेंट सोर्स ऑफ जॉय एंड हैप्पीनेस। और कोविड के दौरान भी, इस पूरे लॉकडाउन पीरियड में भी, मुझे म्यूज़िक ने बहुत मदद की पॉजिटिव रहने में, खुश रहने में, एंगेज्ड रहने में। दूसरी चीज़, हाँ, मैं लॉकडाउन के पीरियड में मैंने बहुत सारी कुछ ऐसी भी चीज़ें करी जो मैं बहुत टाइम से प्लान कर रही थी लेकिन करने का समय नहीं मिल रहा था। जैसे कि मैं बहुत टाइम से सोच रही थी कि घर में ही एक छोटा सा एक रिकॉर्डिंग सेटअप बना लूँ, तो कभी ज़रूरत पड़े तो मैं रिकॉर्ड करके भेज सकती हूँ। और ये जो कोविड की नई परिस्थिति हम लोगों ने अपने जीवन में देखी, मुझे लगता है कि आज ये एक नेसेसिटी हो गई है अब हर आर्टिस्ट के लिए, ताकि आप घर से भी काम कर सकें। तो ये चीज़ प्लान करने का मुझे डेफिनेटली समय मिला इस लॉकडाउन के पीरियड में। इसके अलावा जुलाई के महीने से एक्चुअली मैंने काम करना दोबारा शुरू कर दिया, क्योंकि जैसा कि आपने कहा, मैं सारे गामा पा में जूरी में भी थी, ये मेरा थर्ड सीज़न था उनके साथ में। और पहले हमने आई थिंक मिड मार्च तक शूट किया, उसके बाद में फिर लॉकडाउन पीरियड लग गया, बट देन वी रिज्यूम्ड शूटिंग्स इन जुलाई। तो जुलाई ऑनवर्ड्स मैं एक्चुअली रेगुलरली काम पे बाहर जा रही थी, और शूटिंग्स भी हमने जब ख़त्म कर दी उसके बाद में भी रिकॉर्डिंग्स वगैरह कुछ ना कुछ चलता रहा। तो अब मैं रेगुलरली बाहर जा रही हूँ, बस यही कोशिश करती हूँ कि जब भी बाहर जाऊँ तो मैं सेफ रहने की कोशिश करूँ, सारे प्रिकॉशंस फॉलो करूँ। तो वही थोड़ा सा एक चेंज है कि आई ट्राई टू यू नो फॉलो एवरीथिंग, ऑल द सेफ्टी गाइडलाइंस एंड वर्क। रही बात शोज़ की, तो हाँ, शो मार्केट अभी भी पूरी तरह से नहीं खुली है, क्योंकि हम अभी भी ट्रैवल नहीं कर सकते, ट्रैवल पे रिस्ट्रिक्शंस हैं, लेकिन धीरे धीरे अब सभी कुछ खुल रहा है, और शो का भी मार्केट मुझे उम्मीद है कि जल्द ही सब यू नो फिर से पहले के जैसे हो जाएगा। अगर अभी नहीं तो शायद एक दो महीने में, दो तीन महीने में। वी आर होपिंग दैट द सिचुएशन विल बी बैक टू नॉर्मल अगेन, सो वी आर होपिंग फॉर द बेस्ट। अर्पिता, सबसे पहले तो मैं यही जानना चाहूंगा कि आपके अंदर जो संगीत के संस्कार हैं वो कहाँ से आए, और आपकी माँ भी संगीत से जुड़ी रही हैं, वो उनकी जो संगीत से उनका जो रिश्ता था उसके बारे में बताएं हमें। शिवेंद्र जी, मैं बहुत ही लकी थी कि मेरा जन्म एक ऐसे परिवार में हुआ
जो हमेशा से म्यूज़िक से जुड़ा हुआ था. दो आई बिलोंग टू अ फैमिली ऑफ ऑल इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, ऑल वर्किंग प्रोफेशनल्स, मेरे माँ के परिवार में भी और मेरे पिताजी के परिवार में भी, लेकिन म्यूज़िक एक कॉमन कड़ी थी. पिताजी के परिवार में सब म्यूज़िक लिसनर्स थे, अच्छा गाना बजाना सुनना बहुत पसंद करते थे, और मेरे पिताजी इनफैक्ट शौकिया गाना गाते भी थे, दो ही वॉज़ नॉट अ ट्रेंड सिंगर. तो अक्सर मेरे पेरेंट्स एफओस के फंक्शंस में ड्यूएट परफॉर्मेंसेस भी किया करते थे. माँ के परिवार में मैं बात शुरू करूँगी अपने नाना जी से, जो कि डॉक्टर थे. नाना जी के परिवार में सब गाना गाते थे, और नाना जी भी ख़ुद जब मेडिकल कॉलेज से, आगरा मेडिकल कॉलेज से अपनी मेडिकल की पढ़ाई पूरी कर रहे थे, तो क्योंकि उनको म्यूज़िक में इतना इंटरेस्ट था, तो उस समय समहाउ ही गॉट अक्वेंटेड विद उस्ताद फैयाज़ खान साहब, और फिर मेरे नाना जी का उनके घर में एक रेगुलर आना जाना शुरू हो गया. तो नाना जी वहाँ जाते थे अक्सर और घंटों बैठकर उनको गाते हुए सुनते थे. दो ही वॉज़ नॉट अ डायरेक्ट डिसाइपल, लेकिन जो कुछ भी मेरे नाना जी ने सीखा वो इसी तरह से सीखा. फिर अपना ये लव फॉर म्यूज़िक उन्होंने अपनी अगली जनरेशन को पास ऑन किया, यानी कि मेरी मदर और उनके भाई, मेरे मामाओं को. मेरी मदर और मेरे मामा दूरदर्शन और ऑल इंडिया रेडियो से ब्रॉडकास्टिंग आर्टिस्ट्स रह चुके हैं, और मेरी मदर शांति हीरानंद जी की और राजा भाव कोगजे जी की डिसाइपल रही हैं. शी इज़ अ ट्रेंड वोकलिस्ट इन सेमी क्लासिकल फॉर्म्स ऑफ सिंगिंग एंड गज़ल गायकी, और साथ ही साथ वो खुद म्यूज़िक टीचर भी रह चुकी हैं. तो क्योंकि इन सब में मेरी प्रॉक्सिमिटी, मेरी निकटता मेरी माँ से सबसे ज़्यादा थी, तो उनका सबसे ज़्यादा प्रभाव मुझ पर पड़ा है. मुझे याद है जब मैं छोटी थी तो उस समय हमारे घर में अक्सर बहुत सारी म्यूज़िक सेशंस हुआ करती थी, म्यूज़िक रिकॉर्डिंग्स भी हुआ करती थी, जहाँ पे मेरी माँ गाया करती थी और मैं उनको गाते हुए सुनती थी. साथ ही घर में एक बहुत बड़ा कैसेट का कलेक्शन भी था, और ये एक रिचुअल था कि रोज़ कोई ना कोई कैसेट मेरे पेरेंट्स हमेशा म्यूज़िक सिस्टम पे बजाते थे, ताकि हम बच्चों के कान में संगीत पड़ता रहे. तो इस प्रोसेस में एक्चुअली मेरे पिताजी भी बहुत इन्वॉल्व थे, क्योंकि इस कैसेट कलेक्शन की बात कहूँ तो ये सारी कैसेट्स जो थी मेरे पिताजी ही ख़रीद के लाया करते थे. और इवन जब मम्मी की घर में कोई भी सेशन होती थी या रिकॉर्डिंग होती थी, तो सब माइक्स लगाना, कितने म्यूजिशियंस आ रहे हैं, कितने प्लग्स लगेंगे, सब कुछ मेरे पिताजी ऑर्गेनाइज़ किया करते थे. तो इस तरह का एक म्यूज़िकल माहौल मेरे पेरेंट्स ने हमारे घर में भी हमेशा ही रखा, और इसीलिए कोई आश्चर्य की बात नहीं थी कि यही चीज़ फिर हमारी जनरेशन को पास ऑन हुई. तो मैंने इस चीज़ को एज अ प्रोफेशन लिया है, लेकिन मेरी बहनें भी गाना गाती हैं. बचपन में माँ ने ही मेरे अंदर फिर इस सुर को पहचाना भी, और उन्होंने फिर मुझे उस एज से ट्रेन करना शुरू किया, तराशना शुरू किया. तो इसीलिए वो मेरी पहली गुरु रहीं, और जैसा कि मैंने कहा, पिताजी का भी इसमें बहुत बड़ा एक डीप इन्वॉल्वमेंट और सपोर्टिव रोल रहा है. अर्पिता, एक तो संगीत के संस्कार का परिवार में मौजूद होना ये एक बात है, लेकिन दूसरी बात है कि आप घर के बच्चे का सीखना, तो आपका जो सीखना शुरू हुआ वो किस उम्र में शुरू हुआ, उसकी क्या कहानी है, कैसे वो शुरू हुआ और कैसे पेरेंट्स का आपको सहयोग मिला आपकी तालीम में? सो टॉकिंग अबाउट हाउ माय जर्नी बिगैन, मेरा सबसे पहला मंच जो मुझे मिला और जहाँ से मैंने शुरुआत की, वो मुझे एयरफोर्स में मिला, क्योंकि मेरे पिता स्वर्गीय ग्रुप कैप्टन प्रशांत कुमार मुखर्जी एयरफोर्स ऑफिसर थे, और हम लोग उस समय डिफेंस कॉलोनीज़ में रहते थे. तो डिफेंस कॉलोनीज़ में एक बड़ा कॉस्मोपॉलिटन कल्चर होता है, क्योंकि देश के कोने कोने से आए हुए अफसर अपने परिवारों के साथ एक ही जगह पे रहते हैं. तो वहाँ हर फेस्टिवल सेलिब्रेट होता है, और
ढेरों सारे इसीलिए प्रोग्राम्स भी होते रहते हैं, कल्चरल प्रोग्राम्स। तो मेरे पेरेंट्स ने सबसे पहले मुझे एनकरेज किया उन कल्चरल प्रोग्राम्स में पार्टिसिपेट करने के लिए, और उसके बाद फिर बचपन से ही मैं बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स में जाती रही। मेरा सबसे पहला बड़ा नेशनल कॉम्पिटिशन जो था वो मैंने तब पार्टिसिपेट किया था जब मैं 12 साल की थी। एक दिल्ली में संस्था है संगम कला ग्रुप जो ये कॉम्पिटिशन ऑर्गेनाइज़ करती है, जहाँ हज़ारों की तादाद में पूरे देश से बच्चे आते थे और कमाल के बच्चे आते थे, और फिर वो एक कॉम्पिटिशन होता था। सो आई वन दैट कॉम्पिटिशन एट 12 ईयर्स ऑफ एज। और फिर एक सीरीज ऑफ इसी तरह से अपने फॉर्मेटिव ईयर्स में मैं बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स में जाती थी। स्कूल में मैं अपनी प्रेयर ग्रुप की लीड सिंगर भी थी, और कोई ऐसा कॉम्पिटिशन नहीं होता था, म्यूज़िक कॉम्पिटिशन खास करके, जिसमें मेरा नाम नहीं जाता था। सिमिलरली कॉलेज में भी मैं ऑल इंडिया लेवल के बड़े बड़े कॉलेज फेस्टिवल्स में मैंने पार्टिसिपेट किया, जैसे कि एम्स का फेस्टिवल होता था पल्स, और आईआईटी का फेस्टिवल होता था रॉन्देवू, तो जहाँ पूरे देश के आईआईटी और एम्स कॉलेजेस के स्टूडेंट्स आते थे और कॉम्पिटिशन्स होते थे। तो इस तरह के कॉम्पिटिशन्स में जाने की वजह से, एक तो कहते हैं ना, इंसान के अंदर अगर कोई स्टेज फ्राइट भी होती है तो वो निकल जाती है, आपकी पर्सनैलिटी में एक निखार आ जाता है, एक कॉन्फिडेंस आता है। उसके बाद जो नेक्स्ट एक बहुत इम्पॉर्टेंट मेरी ज़िंदगी का मोड़ आया वो था सारेगामापा जीतना, और वो मेरे लिए बहुत ही यादगार एक्सपीरियंस है। सारेगामापा का मंच हमेशा से ही बहुत प्रेस्टिजियस रहा है, इट्स लाइक अ लेगेसी इन इटसेल्फ, क्योंकि बहुत सारे सिंगर्स इस मंच में से निकले हैं। और जिस समय मैं ये कॉन्टेस्ट जीती थी तो उस समय हम में जो है जजेस जज किया करते थे, और वो अलग अलग पैरामीटर्स पे हम लोगों को सुनते थे, जज करते थे, हमारी बारीकी से हमारी, मतलब कहते हैं ना, हमारी परख करते थे। तो जब इतने दिग्गज कलाकार आपको जज करते हैं तो मुझे लगता है वो उस चीज़ से इंसान बहुत कुछ सीखता है, एंड उस मंच से इसीलिए मैंने भी बहुत कुछ सीखा। और उसी के फिर कुछ एक दो साल बाद मैं एक और रियलिटी शो में गई, फेम गुरुकुल में। तो इसी दौरान सारेगामापा और फेम गुरुकुल के ही इस पीरियड के दौरान मैंने बॉम्बे भी शिफ्ट किया, और वहाँ से मेरी जो प्रोफेशनल जर्नी थी वो स्टार्ट हुई। और जब मैंने ये डिसाइड किया कि मुझे म्यूज़िक को एज अ प्रोफेशन चूज़ करना है, तो पेरेंट्स ने पूरी तरह से मुझे सपोर्ट किया उस चीज़ के लिए। सिर्फ सपोर्ट ही नहीं किया, दे हैव बीन माय बिगेस्ट इमोशनल एंकर्स, और बहुत सैक्रिफाइसेस भी उन्होंने किए हैं। अब मैं एक एक सैक्रिफाइस तो गिना भी नहीं सकती, गिनाने जाऊंगी तो शायद इंटरव्यू कभी ख़त्म ही नहीं होगी। लेकिन मेरे सपने थे जिसमें उन्होंने हमेशा मेरा साथ दिया, मुझे सपोर्ट भी किया। उनका सिर्फ एक ही कहना था कि मैं अपनी पढ़ाई पूरी करूं, और वो मैंने की। वो बहुत ही वाइज डिसीजन था, क्योंकि हम जिस इंडस्ट्री में हैं वो इंडस्ट्री ऐसी है जहाँ पे एक अनसर्टेनिटी भी होती है, तो आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड बहुत मैटर करता है। बट अदर देन दैट इट हैज़ बीन अ ब्यूटिफुल जर्नी फॉर मी ऑल दिस ईयर्स। मैं जब 8-9 साल की थी तो उस समय मेरे पास एक टीवी शो का ऑफर आया था, जो कि एक्चुअली एक म्यूज़िकल क्विज शो था। अब इस शो का थीम कुछ ऐसा था कि दो सिंगर होते थे एक एपिसोड में, जिन्हें गाने गाकर दो टीम्स को क्यूज़ देने होते थे, और फिर उन दो टीम्स के बीच में क्विज चलती थी। तो ये जो दो सिंगर होते थे, इनको पहले अपनी आवाज़ एक स्टूडियो में रिकॉर्ड कर लेनी होती थी, और फिर शूटिंग के दिन सिर्फ जाके अपनी प्री रिकॉर्डेड आवाज़ पर लिप सिंक करना होता था। तो इस शो के लिए मेरे पेरेंट्स मुझे लेके गए एक रिकॉर्डिंग स्टूडियो में, और वो मेरी लाइफ का सबसे पहला रिकॉर्डिंग एक्सपीरियंस था इन अ स्टूडियो सेटअप। तो जब मैंने
रिकॉर्डिंग फिनिश कर ली, उसके बाद मैं रिकॉर्डिंग रूम से बाहर आई और जो साउंड इंजीनियर थे उन्होंने एक रफ मिक्स किया मेरी वॉइस को और हमें थोड़ा सा सुनाया वहाँ पे। मुझे आज तक याद है वो फीलिंग जब मैंने पहली बार अपनी आवाज़ उस स्टूडियो के बड़े बड़े मॉनिटर्स पे सुनी। मुझे इतना अच्छा लगा अपने आप को सुनकर उस समय कि मुझे बिलीव ही नहीं हुआ कि ये मेरी आवाज़ है। और कहीं ना कहीं इस पूरे एक्सपीरियंस से मैं इतनी प्रभावित हुई कि शायद उसी दिन मेरे मन में इस सपने ने जन्म लिया कि मुझे अपने जीवन में कौन सी लाइन परस्यू करनी है। आमतौर पे बच्चों का माइंड उस एज में बहुत चेंज होता है, आज लॉयर बनना है, कल डॉक्टर बनना है, परसों कुछ और बनना है, लेकिन मेरे केस में ऐसा कभी हुआ ही नहीं। जो सपना मैंने तब देखा बस उस सपने ने घर कर लिया मेरे मन में और मैंने डिसाइड किया कि मुझे सिंगर ही बनना है और मुझे प्लेबैक सिंगर ही बनना है। और यकीन मानिए आज भी मुझे उतनी ही खुशी होती है जब मैं कोई नया गाना रिकॉर्ड करके आती हूँ जितनी की तब हुई थी जब मैंने अपनी लाइफ की फर्स्ट रिकॉर्डिंग की थी। जाहिर सी बात है अर्पिता, परिवार के बाद फिर गुरु और शिष्य की भी एक परंपरा है भारतीय संगीत की, जो सीखने की प्रणाली है उसमें, तो किन गुरुओं से आपने सीखा, वो कौन से सुधीजन थे, वो कौन से गुणीजन थे जो आपके जीवन में संगीत सफर में गुरु के तौर पर जुड़े? तो आपको अपनी पहली गुरु मेरी माँ श्रीमती जयश्री मुखर्जी के बारे में मैंने सब कुछ बताया ही। फिर जब मैं थोड़ी सी बड़ी हुई तब मेरे पेरेंट्स ने मुझे आगे और भी सीखने के लिए गुरुओं के पास भेजा। दिल्ली में मैं शास्त्रीय संगीत सीख रही थी पंडित दीपक चटर्जी जी से। और फिर जब मैं बॉम्बे शिफ्ट हो गई तो यहाँ मेरा परिचय श्री सुनील बोरगांवकर जी से हुआ और मैंने उनसे क्लासिकल संगीत सीखना शुरू किया। अभी भी मैं उन्हीं के पास सीख रही हूँ, आई एम स्टिल कंटिन्यूइंग विद हिम। और बीच में कुछ साल मैं श्री अनंत वैद्यनाथन जी के पास भी सीखी हूँ जो कि एक्चुअली वॉइस कोच हैं, तो वो आवाज़ से जुड़ी हुई चीज़ों पर ख़ास तौर पर काम करते हैं, जैसे कि वॉइस प्रोजेक्शन टेक्निक्स या ब्रीदिंग टेक्निक्स, बेसिकली ऐसी टेक्निक्स जिनको हम प्लेबैक सिंगिंग में बहुत यूज़ करते हैं। तो इन सभी गुरुओं से मुझे ज्ञान प्राप्त हुआ है एंड आई एम थैंकफुल टू ऑल ऑफ देम फॉर हैविंग एक्सेप्टेड मी एज अ स्टूडेंट। अर्पिता, गजलें आपके दिल के बेहद करीब हैं, तो मेरी विनम्र गुजारिश है कि एक कोई गजल जो आपके दिल के करीब हो वो हमें जरूर सुनाएं। तो लता जी की गाई हुई मेरी एक बड़ी फेवरेट गजल है, मैं वो गाती हूँ थोड़ी सी। जो क्या है
हर एक बात पे कहते हो तुम कि तू क्या है। अर्पिता, मैंने जैसा कि शुरू में कहा था कि आपने तो बकायदा शास्त्रीय संगीत की तालीम ली है, तो ये हमारे रागगिरी के दर्शकों के लिए ज़ाती होगी अगर मैं आपसे कोई एक राग या और ठुमरी ना सुनूं तो दो गुजारिशें एक के बाद एक कोई अपने मन पसंदीदा राग सुनाइए और फिर कोई एक ठुमरी। सखी रिया
सखी रे आले पिया बिन सखी कल ना परत मोहे घरे पल छिन बिन कल ना परत मोहे घरे पल छिन बिन हे रे आले पिया बिन आ रे ग म प रे स नि द प म ग रे ध नि रे ग म द म ध नि द प म स नि द प म नि नि द प म ध प म ग रे ग म प म ग रे ग रे स नि रे ग म प रे रे आ रे पिया बिन आ आशा जी आपकी बहुत पसंदीदा गायिका है, तो कुछ आशा जी के नगमे, कुछ उनके गाने जो आप हमें सुनाना चाहें। आशा जी का गाना, क्योंकि मैं सारे नॉन फिल्म गाने गा रही हूँ तो मैं उनका एक फिल्म सॉन्ग गाती हूँ अभी। वैसे तो बहुत सारे गाने हैं लेकिन अभी पता नहीं क्यों यही गाना दिमाग में आ रहा है मेरे। सितारे झिलमिला उठे, सितारे झिलमिला उठे, चराग जगमगा उठे, बस अपना मुझको टोकना, बस अपना मुझको टोकना, न बढ़ के राह रोकना, अगर मैं रुक गई अभी तो जान पाऊंगी कभी, यही कहोगे तुम सदा कि दिल अभी नहीं भरा, जो खत्म हो इसी जगह, ये ऐसा सिलसिला नहीं, अभी ना जाओ छोड़ कर कि दिल अभी भरा नहीं, अभी नहीं अभी नहीं 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 नहीं। अगर कोई बहुत लोकप्रिय आपका टाइटल, किसी सीरियल का टाइटल सॉन्ग जो आप गुनगुनाना चाहें हमारे लिए। एक बहुत ही सुंदर गाना मैंने बालिका वधू सीरियल के लिए गाया था, राग भाग्यश्री पर आधारित। इसको कंपोज किया था सिद्धार्थ कश्यप जी ने, और जिन्होंने इस गाने के बोल लिखे वो दुर्भाग्यवश आज हमारे बीच नहीं रहे। उनके निधन का दुखद समाचार अभी हाल ही में हम सबको मिला है। लिरिसिस्ट पोएट अभिलाष जी, मेरा सौभाग्य था कि मैंने उनके लिखे हुए बोल इस गाने में गाए। एंड टुडे आई विल सिंग दिस सॉन्ग एज अ डेडिकेशन टू हिम।
कैसे काटी। सजना कैसे कटी तेरे बिन रतियां, सजना कैसे कटी तेरे बिन रतियां। अर्पिता, आपने अलग अलग तरह की गायकी की है, अलग अलग तरह की गायकी से मेरा आशय है, फिल्मों के लिए आपने गाया, वेब सीरीज के लिए गाया, टीवी कमर्शियल्स के लिए गाया, टीवी सीरियल्स के लिए गाया, तो ये जो अलग अलग गायकी के प्रकार है, इसके लिए कलाकार जब तैयारी कर रहा होता है तो क्या कुछ उसको अलग करना पड़ता है, और अगर अलग करना पड़ता है तो वो कुछ बातें जो आप हमसे शेयर करना चाहें। ये बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल पूछा है आपने, जो एक्चुअली पहले किसी ने पूछा नहीं कभी मुझसे ये बात। देखिए, हर मीडियम अलग होता है, उसका स्टाइल ऑफ वर्किंग अलग होता है, उसके चैलेंजेस अलग होते हैं। अब जैसे मैं बात करूँ रीजनल लैंग्वेजेस की, तो हर लैंग्वेज की कुछ बहुत स्पेसिफिक प्रोनंसिएशंस होती हैं जिनको पकड़ना एक प्रोफेशनल आर्टिस्ट के लिए बहुत ज़रूरी है। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, कुछ अक्षरों के प्रोनंसिएशन में इतना कम अंतर होता है कि अगर आप उनको मिक्सअप कर दें तो कभी कभी शब्द का मीनिंग ही बदल जाता है, और ख़ास करके साउथ इंडियन लैंग्वेजेस में ऐसा बहुत ज़्यादा होता है। तो इन बातों पर ध्यान देना एक तो बहुत ज़रूरी है। दूसरा, जब हम लोग कभी भी दूसरी लैंग्वेज में गाना गाते हैं तो जनरली हम लोग पहले ही जाकर पूरा गाना लिखते हैं, एक एक शब्द का उच्चारण समझते हैं, गाने में क्या मतलब एक एक्सप्रेशन है, गाने का मीनिंग क्या है, वो सब कुछ समझकर फिर हम गाना गाते हैं। सो दिस इज़ द चैलेंज इन यू नो सिंगिंग इन डिफरेंट लैंग्वेजेस। अब मैं बात करूँ टेलीविज़न कमर्शियल्स की, तो टीवी कमर्शियल्स, एक तो जनरली कोई भी टीवी कमर्शियल 1.5 से 2 मिनट के बीच में ही होती है, तो उसमें गाने का स्कोप शायद 30 से 40 सेकंड का मिलता है। आपको कोई खींचा हुआ 3 से 4 मिनट का गाना नहीं मिलता जहां आप आराम से एक्सप्रेस करके गाएंगे। दूसरी चीज़, जब हम लोग टीवी कमर्शियल्स के लिए रिकॉर्ड करते हैं तो हम फिल्म देखकर रिकॉर्ड करते हैं, क्योंकि टीवी कमर्शियल्स के म्यूज़िक पे बाद में काम होता है, पहले उनकी शूटिंग हो जाती है। और तीसरी चीज़,
जब भी रिकॉर्डिंग होती है तब क्लाइंट या एजेंसी से लोग वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि उनके लिए उनका प्रोडक्ट बहुत एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है और उनके बहुत सारे इनपुट्स होते हैं, तो वो जो भी इनपुट्स देते हैं उन इनपुट्स को भी इनकॉर्पोरेट करना पड़ता है जो भी वो कहते हैं. जैसे कि ओ नहीं नहीं यहाँ पे आप वॉइस ओवर रखिए, हमें यहाँ पे सिर्फ 10 सेकंड की सिंगिंग चाहिए और उसके बाद यहाँ पे तो म्यूज़िक आएगा, यहाँ पे आप कुछ नहीं डाल सकते. इस तरह से वो लोग कुछ अपने ऑब्जर्वेशंस लेके आते हैं और हमको उनको समझ के अलग अलग चीज़ें माइक पर ट्राई करनी होती हैं टू सी व्हाट वर्क्स व्हाट डजंट वर्क. अब बात करूँ मैं फिल्मों के गानों की या और जैसे वेब सीरीज़ या टाइटल्स ट्रैक्स हम सीरियल्स के लिए गाते हैं, वहाँ सिचुएशन बिल्कुल उल्टी होती है. वहाँ पे पहले रिकॉर्डिंग होती है और शूटिंग बाद में होती है, तो हमें सिर्फ एक ब्रीफ दिया जाता है गाने का कि ये गाना है, ये कुछ सिचुएशन है और आपको इमेजिन करके गाना पड़ता है, क्योंकि पहले हम गाना गा लेते हैं और उसके बाद उसकी शूटिंग बाद में होती है. हमें ये नहीं पता होता कि वो किस तरह से शूट किया जाएगा. सो यू सी एवरी मीडियम इज़ डिफरेंट और मैं प्रेफर करती हूँ कि मैं हर मीडियम पे काम करूँ, क्योंकि आई थिंक इससे एक तो वर्सेटैलिटी भी आती है आपके अंदर और दूसरा आपका वर्क प्रोफाइल एज एन आर्टिस्ट ज़्यादा ब्रॉड हो जाता है. अर्पिता, आप सारेगामा का जो लिटिल चैंप्स का सीजन रहा है उसकी ज्यूरी में रही हैं और ये एक ऐसा अनुभव है जिसमें आप बहुत सारे नए कलाकारों से, बहुत छोटे छोटे कलाकारों से मिलते हैं. ये तजुर्बा, ये अनुभव, ये एक्सपीरियंस कैसा रहा, ये शेयर करें. शिवेंद्र जी, मुझे जनरली भी बच्चों के साथ इंटरैक्ट करना, उनके साथ बॉन्ड करना बहुत अच्छा लगता है और ख़ास करके उनका गाना सुनकर और भी ज़्यादा खुशी होती है, क्योंकि उनके गाने में एक नेचुरल इनोसेंस होती है, एक फ्रेशनेस होती है और वो इसीलिए क्योंकि उस एज में हम पे दुनिया का एक जो कहते हैं ना कलर चढ़ा हुआ नहीं होता है. और जिस मंच पर मैं थी एक समय पर, जिस स्टेज से मैं गुज़र चुकी हूँ, आज उसी स्टेज से मैं इन बच्चों को भी गुज़रते हुए देखती हूँ, तो समहाउ आई कैन रिलेट टू दीज चिल्ड्रन वेरी मच. क्योंकि हम भी जब छोटे बच्चे थे तो अपने पेरेंट्स के साथ में कॉम्पिटिशन्स में जाया करते थे और बहुत सारी चीज़ें होती थी कि जैसे गला ख़राब हो गया है या नर्वसनेस हो रही है या कभी हार गए तो दुख भी बहुत होता था, रोते भी थे, या कभी जीत गए तो उसका भी एक सेंस ऑफ अचीवमेंट होता था कि आज इतने अच्छे कॉम्पिटिशन के अगेंस्ट में हमने अपनी मेहनत से कुछ हासिल किया है. तो मैं इन बच्चों को उन्हीं इमोशंस से, उसी दौर से आज गुज़रते हुए देख रही हूँ और मुझे लगता है कि जीवन में ये जो जीत हार, ये जो दो पहलू हैं, ये दोनों ही देखने बड़े ज़रूरी हैं, क्योंकि दोनों ही चीज़ें बहुत कुछ सिखाती हैं और एक पर्सपेक्टिव देती हैं. तो ये एक प्रोसेस है जो मुझे लगता है जिसे हर किसी को गुज़रना ही चाहिए. ये एक नॉर्मल प्रोसेस है जिंदगी का और आई फील हैप्पी कि आई एम अ स्मॉल पार्ट ऑफ दिस प्रोसेस एंड दिस जर्नी ऑफ दीज चिल्ड्रन, क्योंकि यही हमारा म्यूजिक का फ्यूचर है और उनकी इस जर्नी का मैं एक छोटा सा हिस्सा बन पाई हूँ. अच्छा, अगर हालांकि ये कहने की जरूरत नहीं है, यूनिवर्सल ट्रूथ है, सार्वभौमिक सत्य है, जिस तरह आप अच्छे क्रिकेटर हैं तो आप टेस्ट मैच भी अच्छा खेलते हैं और T20 भी अच्छा खेलते हैं, वैसे ही अगर आपने शास्त्रीय संगीत की तालीम ली है तो निश्चित तौर पर आप प्लेबैक भी बहुत अच्छा करते हैं. ये तो मैं कह रहा हूं, लेकिन आप एक कलाकार के तौर पर, सीखे हुए कलाकार के तौर पर अगर इस बात को कहेंगी तो किस तरह से कहेंगी जो आज की पीढ़ी, जो आज की यंगर जनरेशन है, उसके पास तक पहुंचे. जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप. शास्त्रीय गायन सीखना बहुत अहम है और इनफैक्ट मुझे लगता है बचपन से ही सीखना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. इट्स इम्पॉर्टेंट टू स्टार्ट एट अ वेरी यंग एज, क्योंकि जब हम छोटे होते हैं तो हमारी आवाज़ परिपक्व नहीं होती, वो एक कच्ची आवाज़ होती है और ऐसी वॉइस को मोल्ड करना ज़्यादा आसान होता है. तो अगर एक छोटी उम्र से आप ट्रेनिंग शुरू करते हैं तो उसका लाभ इन द लॉन्ग रन बहुत ज़्यादा होता है. दूसरी चीज़ मुझे लगता है कि
शास्त्रीय संगीत से एक क्रिएटिविटी आती है, आपका माइंड खुल जाता है, तो आप रटा रटाया नहीं गाते, आप क्रिएट करके गाना सीखते हैं। और ये किसी भी आर्ट फॉर्म के लिए बहुत ही ज़रूरी है कि आप क्रिएट कर सकें। और तीसरी चीज़, इतने प्रकार की देखिए गायन शैलियाँ होती हैं, जैसे कि गज़ल्स है, भजन है, कव्वाली है, ठुमरी है, पार्श्व गायन है, सुगम संगीत है, तो हर गायन शैली एक स्वरूप में बंधी हुई होती है। और अगर आपका माइंड क्लासिकली ट्रेंड है तो वो ये छोटी छोटी बारीकियों को पकड़ सकता है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप सुगम संगीत गा रहे हैं और उसमें आप 15-20 ताने घुसा दें, या आप कव्वाली गा रहे हैं और उसमें आप कुछ ठुमरी नुमा हरकतें घुसा दें, तो समहाउ वो जो स्वरूप है वो बिगड़ जाता है, वो डिस्टॉर्ट हो जाता है। तो ये डिस्टॉर्ट ना हो और इस चीज़ को समझना कि आप किस गायन शैली को गा रहे हैं, उस हिसाब से उस गायन शैली का स्वरूप होगा या वेरिएशंस होंगी, ये समझ बहुत हद तक क्लासिकल संगीत की ट्रेनिंग से आती है। और क्लासिकल संगीत सीखने के बाद भी आपको कई सारी चीज़ें सीखते रहने पड़ेंगी, जैसे कि पार्श्व गायन में कहें एक विब्राटो का कॉन्सेप्ट है जो कि क्लासिकल म्यूज़िक में होता ही नहीं है, या इवन जैसे विस्परिंग आवाज़ में गाना जो क्लासिकल म्यूज़िक में आप कभी नहीं करेंगे। तो मुझे लगता है कि ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं ये तो वैसे भी आप जीवन में सीखते ही हैं, क्योंकि कहते हैं ना सीखने का कोई अंत नहीं है, संगीत एक अथाह महासागर है और ये सीखने का जो दौर है ये चलता ही रहता है जीवन भर। लेकिन डेफिनेटली अगर आपका माइंड ट्रेंड है क्लासिकल म्यूज़िक में, बिकॉज इट्स अ डिसिप्लिन, तो आपको ऐसी किसी भी चीज़ से अडेप्ट करने में कभी भी तकलीफ नहीं होगी। अर्पिता, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारे लिए समय निकाला। निश्चित तौर पर रागगिरी के जो हमारे व्यूअर्स हैं, जो हमारे श्रोता हैं, उनका प्यार, उनकी शुभकामनाएं आप तक पहुंचे, ऐसी हमारी कामना है। आप यूं ही आपका जो संगीत सफर है वो यूं ही चलता रहे, वो और मधुर होता रहे, ऐसी शुभकामनाएं हैं। बहुत बहुत धन्यवाद जी। मुझे भी आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा शिवेंद्र जी, और आपकी शुभकामनाओं के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं भी रागगिरी के माध्यम से आपको और आपके सभी श्रोताओं को दीपावली के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहूँगी। दीपावली का ये त्यौहार और आने वाला साल हम सब के लिए मंगलमय हो, यही मेरी कामना है। थैंक्स वंस अगेन। नमस्कार।